बिल्कुल गिलगित बल्तिस्तान से डिफरेंट यहाँ का एटमोसफेयर है, यहाँ का खूबसूरती, यहाँ का लैंडस्केप। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। और रात को जो है हम लोग पहुँचे हना झील करने के बाद मरियाबाद। मुंबई आज कितना दिन स्टार्ट होया है? आज सातवें दिन की शुरुआत है और अभी टाइम हो गया तकरीबन कुछ 7 बज गए हैं। और बाकी जो सी बातें वो इस तरह मैं बाइक पर बैठ के करूँगा क्योंकि मेमोरी प्रॉब्लम। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। और काफ़ी दिनों के बाद वीडियो बनाई। बेसिकली मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था वीडियो रिकॉर्ड करने का। जैसा कि आप लोगों को पता है मेरी वालदा का कुछ दिन पहले इंतकाल हुआ, तो उसके बाद कैमरे को हाल लगाता था, दिल नहीं करता था रिकॉर्डिंग का, करते करवाते काफ़ी दिन गुजर गए। इसके अलावा उस दिन मुझे इस चीज़ का एहसास हुआ कि आखिरकार यूट्यूब पे जो सा मैंने चैनल बनाया था, जो आप लोग का मेरा रिलेशनशिप है, उसको देख के बड़ा खुशी हुई कि आज बहुत सारे लोगों ने उस दिन मुझे मेरी वालदा की यादत के लिए फ़ोन किए, मैसेज किए, कम्युनिटी के लिए जो पोस्टिंग की। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा आप लोगों से बड़ा अच्छा इंटरेक्शन है और आप लोग बहुत प्यार करते हैं, उसके लिए आप लोग की बहुत बहुत मेहरबानी। आप लोग मुझे देखते हैं, मेरी वीडियोस को देखते हैं। यूट्यूब के ऊपर पैसा कमाने से ज़्यादा जो उनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो हर यूट्यूबर का अपने फॉलोअर्स के साथ अपना रिलेशनशिप बिल्ड करना होता है कि उनको लोग पसंद करें, उनका काम देखें। अगर वो अच्छा काम करेंगे लोग पसंद करेंगे। तो रीज़न मैंने आपको बता दी वीडियो लेट की और अब करते हैं टूर का स्टार्ट। मैं कहा ओ ओ मैं कहा तीर कर गया यार। ये है मरियाबाद में मोहम्मद अली कूचा छले छोले छोले कूचा छोले कुलचा छोले के कूचा 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 छोले है कूचा कहंदे ने कुलचे नु। ये कूचा का क्या मतलब है? कूचा का क्या मतलब होता है? कूचा छोले मरियाबाद की ऐसी सौगात है कि जैसे कि हमारे लाहौर में नान चने बोंगपाई वगैरह का रिवाज है, इसी तरह से मरियाबाद में कूचा छोले लोग नाश्ते में शौक से खाते हैं। तो हमने सोचा कि हम लोग भी कूचा छोले खाएंगे, जो दिखने में तकरीबन हमारे लाहौरी चनों की तरह होते हैं लेकिन खाने में उससे बिल्कुल डिफरेंट है। तो आप लोग जब भी जाएं टेस्ट जरूर करें, खाएं, तो बड़ा मज़ेदार और बड़ा ज़बरदस्त किस्म का टेस्ट है, अच्छा टेस्ट है। ये गिफ्ट मेरी तरफ से हमारा पाक वेंचर का लोगो। जब आप बाइकर बनेंगे, जब आप ग्रुप वो राइड करेंगे, ये आपने अपनी जैकेट के ऊपर ना यहाँ पैसे करके लगवा लेना है, ठीक है? ये हमारा अपना क्लब का लोगो है, ये हम अपने लिए बनाते हैं, ठीक है? ये एक एक आगा साहब को देते हैं। दोबारा ऐसे लगा जैसे अभी घर से निकल रहे हैं आप, फिर से नया सिस्टम हो गया, माशाल्लाह फ्रेश हो गए हैं, आप लोगों से मिले हैं, ऐसे लगा जैसे अभी दोबारा से नया टूर स्टार्ट किया। अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखना, ठीक है? हूँ भी ओके। और टाइम हो गया है 9:40 मुंबई, और 396 किलोमीटर इस वक्त चला हुआ है। अब देखते हैं ताफ्तान कितना, यहाँ से हम लोग जाएंगे डालबदीन में एक स्टे करके, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है ताफ्तान बॉर्डर पे होगा। मरियाबाद निकलने के बाद और कोटा छोड़ने से पहले पहले हम लोगों ने अपनी बाइक की सारी मेंटेनेंस मतलब सर्विस, उसमें हम लोगों ने किया अपनी बाइक का मोबिलाइल चेंज, चेन को लुब्रिकेट किया, मोबिलाइल चेंज किया, नट टू नट हर एक चीज़ को टाइट करके देखा कि कोई नट बोल्ट कोई चीज़ कोई ढीली लूज तो नहीं है, एक बार सारा का सारा चेक करके। तो बाइक मेंटेनेंस के बाद हम लोग को जाना था एक जगह पे जहाँ पर जितने भी हमारे पाकिस्तान में कुरान मजीद शहीद होते हैं उनको एक जगह पे महफूज कर दिया जाता है, उस मुकाम को देखना था, उस जगह को देखना था।
ओके जी। हाँ रिटर्न करना है। चेन वगैरह टाइट किया है शायद मुंह में, हले मैं आप नहीं देखा का, देखना वा दसना वा। 8 किलोमीटर है तो चलो। यू टर्न लेके आ जाओ, सीधे ही आना है, लेफ्ट हो गया सीधा सीधे आ जाओ, मैं आ रहा हूँ। हाँ जी आ गए हो सीधा, चले उतरो। ट्रिपल जीरो मतलब यानी शुरू हो गया मेरा सारा, तुझे बिल्कुल जीरो कर देती है हो गई अपने आप। बस ठीक है कोयटा तो उसी दाल बनी पर चेक कर लेना कि कितना आंदा, तुझे 200 किलोमीटर चलाओगे ना मतलब अभी 2000 किलोमीटर लाहौर तो लेके हूं तक कर लिया। हां जी चलो तक 1800 किलोमीटर कितना 1800 किलोमीटर ठीक है, आधा कर लिया मैं हाले, आधा कर लिया नहीं ਲੈਂਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤਾ ਫੋਟੋ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਠਾਕ ਰਹੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਯਾਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਹੈ ਨਾ ਸੋਣੀ। ਹਾਂ ਕਿ ਜੀ 11 ਵਜੇ ਹਮ ਲੋਗੋਂ ਨੇ ਛੋੜਾ ਹੈ ਕੋਇਟਾ ਔਰ ਅਬ ਮੇਨ ਹਾਈਵੇ ਕੇ ਉਪਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਕੇ ਉਪਰ ਆ ਗਏ ਹੈ ਔਰ 11 ਵਜ ਗਏ ਹੈ ਔਰ ਮੁੰਬਈ ਕੇ ਉਪਰ ਰੇਟਿੰਗ ਜੋ ਹੈ ਵੋ 0-0 ਹੈ। अब देखते हैं कितने टाइम में कितने किलोमीटर करते हैं और तापतान के लिए जो है वो कोयटा से फाइनली निकल पड़े हैं। अच्छा ये कलास राइट साइड पे है ठीक है। अच्छा होगा जी 30 किलोमीटर उस तार 290 किलोमीटर वो भी राइट से भी कराची 675 किलोमीटर वो भी राइट से भी। चलो मैं गूगल मैप तो काट लेना हूँ। ट्रैवल करते हुए आप किसी होटल पर रुकते हैं किसी जगह पर रुकते हैं कोई चीज़ चार्जिंग पे लगाने के लिए तो उसका बेस्ट तरीका जो होता है वो ये है कि आप लोग जो केबल है उसके बीच में चाबी लगा दें ताकि आपको किसी भी सूरत में आपकी कोई चीज़ जो एक्सेसरी है गैजेट है वो रह ना पाए क्योंकि अक्सर ऐसा हो जाता है तो फिर बड़ा मसला होता है। ओके सर बहुत मेहरबानी बहुत मेहरबानी अल्लाह हाफिज़। जैसे ही कोयटा से निकले तो थोड़ी देर बाद याद आया कि पैसे हमारे पास बहुत कम है तो फिर मुंबई को मैंने वापस भेजा तकरीबन कोई आधा घंटा लगा मुंबई वापस आए। तो कोशिश करो कि आप लोग जब कोयटा छोड़ो तो कैश इन हैंड यहीं से अपने साथ लेके चलो, नौशकी दरबदीम या ताफ्तान जाके आप लोगों को बैंकिंग सिस्टम मिलता है लेकिन उसके ऊपर भी आप लोग जो है वो एतमाद मत करें क्योंकि यहाँ शहरों में बड़ा प्रॉब्लम होता है। तो जब आप लोग कोयटा से निकलो ताफ्तान के लिए तो यहाँ से कैश इन हैंड अपना लेकर ही निकलो ताफ्तान। लग पास टूल प्लाजा अभी तक तकरीबन हमारा मूवी कितना टाइम लगेगा तनु बैंक तो पैसे ले आओ आधा घंटा लगेगा ज्यादा लगेगा आधा घंटा हमारा तकरीबन जाया हुआ है क्योंकि बैंक में से पैसे नहीं निकलवाए थे और एक हमने सोचा था कि शायद शहर के बीच में से निकलेंगे लेकिन हम बाईपास से बाईपास हो गया था नहीं नहीं वो टनल के बीच जाना सही है। पास ही है ना तो यही कर रहा है बड़ी पुरानी टनल लग रही बहुत पुरानी टनल होगी है भी गोरिया ने बनाई होगी मुंबई
जैसे कोयटा से निकल के थोड़ा सा मजीद कोई 20 से 25 किलोमीटर आगे गए थे तो पहले चेक पोस्ट पे हम लोगों को पहला थ्रेड मिलेगा, उन्होंने बोला कि आप लोग वापस चले जाओ, आप लोग को पता ही नहीं आप लोग कहाँ फिर रहे हो। मैंने बोला कहाँ फिर रहे हैं, उन्होंने बोला कि आप लोग बलोचिस्तान में फिर रहे हो, आप लोग दफ्तान बॉर्डर की तरफ जा रहे हैं। मैंने कहा ऐसा ही है। खैर वो कोई 15-20 मिनट की डिस्कशन के बाद सारा कुछ करने के बाद आपको समझ लगे कि ये लोग वापस नहीं जाएंगे, तो उन लोगों ने मुझे रिकमेंड किया कि आप लोग शलवार कमीज में ट्रैवल करें। तो मैंने बोला कि नहीं, हम शलवार कमीज में ट्रैवल बिल्कुल नहीं करेंगे, ऐसे ही ट्रैवल करेंगे। कोई बेसिकली उनके मुताबिक जो हम लोग कर रहे होते हैं वो आवारा कर दिया है, क्योंकि ये क्या बात हुई कि हम लोग बॉर्डर देखने के लिए जा रहे हैं और फिर वहाँ से वापस आ जाएगा। उनके लिए ये एक अजीब सी चीज़ होती है कि ये पागल तो नहीं है, इनके पास इतना फारिग टाइम है, इधर आ गए और वहाँ पर जाएंगे बॉर्डर पर, बॉर्डर से फिर वापस आ जाएंगे, इतना लंबा ट्रैवल करेंगे। तो वो आपको कहेंगे कि यार क्या इधर कुछ भी नहीं है, यहाँ पे खुश्क पहाड़ हैं, क्या है आगे रेत है, बुरे हालात हैं, कहीं और जाओ, उधर जाओ, कश्मीर में जाओ, इधर जाओ। वो आप लोगों की फीलिंग्स को नहीं समझ सकती हैं, वो बहुत मुश्किल है कि वो आप लोग अंडरस्टैंड कर सकें। आप लोग को रोक कोई भी नहीं सकता है, क्योंकि आप लोगों के पास नेशनैलिटी है पाकिस्तान की, आप पूरे पाकिस्तान में हर जगह जा सकते हैं। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਇਹ ਚਾਗੀ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਜਾਣਾ, ਚਾਗੀ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਰੁਕਾਂਗੇ ਨਾ, ਜੇ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਜਾਣ, ਦੋ ਰਸਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਚਾਗੀ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਜਾਈਏ ਜਿੱਧਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਐਡਮਿਟ ਮੰਗੇ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਉਧਰੋਂ ਘੁੰਮ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਐਸੀ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੋ ਜਬ ਵੀ ਆਪ ਲੋਕ ਲੰਦਨ ਰੋਡ ਪੇ ਤਫਤਾਨ ਰੋਡ ਪੇ ਜਾਏ ਤੋ ਆਪਕੇ ਪਾਸ ਆਪਣੀ ਪਾਣੀ ਕੀ ਬੋਟਲ ਜੋ ਸੀ ਵੋ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਏ। ਆਪਨੇ ਵਹਾਂ ਪਰ ਲੋਕਲ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ यहीं पे आगे तक एक चागी का इलाका आता है जहाँ पे पाकिस्तान ने एटमी धमाके किए थे, तो इसलिए वहाँ पर थोड़े थोड़े कोई उसके असरात शायद हो या ना हो, थोड़ा सा कैंसर शैंसर का वहाँ पे प्रॉब्लम सुना है, उस वजह से है उस पानी में, क्योंकि ना पानी वहाँ पे सारा बोर करके वो नीचे से निकालते हैं। तो आप लोग कोशिश करें, कोशिश नहीं बल्कि 100% आपने वहाँ का लोकल पानी जो होता है वो इस्तेमाल नहीं करना है, आप लोगों ने मिनरल वाटर ही इस्तेमाल करना है। चाहे कुछ भी हो जाए हर वक्त अपने साथ मिनरल वाटर की बोतल कैरी करके रखें। ਰੋਸ਼ਕੀ ਰੋਸ਼ਕੀ 34 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਦਾਲਮਦੀਨ 230 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਪਦਗਨ 129 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਪਦਗਨ ਨਹੀਂ ਪਦਕ 129 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਪਦਕ जब वहाँ चेक पोस्ट के बाद मैंने ट्रैवल किया तो मैं बड़ा फेड अप था। मैंने मुंबई से बोला, मैंने कहा मुंबई यार उस बंदे ने तो मुझे सारा कुछ कह दिया, मुझे यार टेंशन ना ले कुछ भी, यार मेरा ना दिल ना अजीब अजीब सा हो रहा है। जाहिर बात है जब इंसान एक ट्रैवल कर रहा है इतना मुश्किल हार्ड, इतना दूर अपने घर से आया हुआ है ट्रैवल के लिए, तो जब उसको लोग इस तरह की बातें बोल रहे कि चलो ठीक है आप लोग जाओ जाओ सही आप लोग वापस नहीं आओगे, तो वो बंदा फिर बड़ा डिसहार्ड हो जाता है। वो फीलिंग वो इंसान ही समझ सकता, शायद आप भी फील कर सको कि उस वक्त मैं किस तरह से ट्रैवल कर रहा हूँ। तो फिर एक होटल आया, वहाँ से खाना खाया, तो होटल में कुछ रिकॉर्ड भी नहीं किया मैंने। खाना खाते खाते एक साथ में एक भाई बैठे थे, उन्होंने बोला कि कहाँ से आए हो, किधर से आए हो? मैंने कहा लाहौर से आए हैं। कहते कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा यार दरबदीन जा रहा हूँ, आगे तफ्तान जाऊँगा। तो वो बड़ा खुश हुआ, वहाँ वो वहाँ का लोकल था, कहता आप लोग इतनी दूर से आए हैं हमारे यहाँ इलाके में, इधर क्या करेंगे? मैंने कहा मैं कुछ भी नहीं करूँगा, बस जाऊँगा वहाँ पर बॉर्डर से होकर वापस आ जाऊँगा आपका इलाका देख के। तो वो बोला कि यार ये तो बड़ा मज़े का है, आप लोग कैसे इतनी दूर से आया है यहाँ पे? तो फिर मैंने उसको थोड़ा सा बताया कि मैं वीलॉगिंग करता हूँ, मैं ट्रैवल करता हूँ, उसको रिकॉर्ड करता हूँ, उसको फिर मैं नेट पे डालता हूँ। तो इस तरह से वो बड़ा उसने बोला कि आप लोग हमारे घर में ठहरिएगा जब आप लोग, लेकिन हमारा घर उनका घर था नौशकी में। तो मैंने बोला कि नहीं नहीं कोई जरूरत नहीं, हम लोग दल बदीन जा करेंगे। ये सारी बातों के बाद बिल करवाने लगा, तो उसने बोला कि आपका तो बिल हो गया, तकरीबन 800 रुपये का तकरीबन बिल था, क्योंकि
खाने में हम लोगों ने दो रोश मंगवाए थे। रोश एक बलोची डिश है जिसमें मटन के दो बड़े बड़े से पीस होते हैं और वो यखनी के अंदर डिप होते हैं, और वो यखनी यानी कि एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की एक बलोची डिश है। तो मैंने कहा बिल किसने करवा दिया, कहता वो जो आप जिनके साथ बात कर रहे थे वो आपका बिल करवा के चलेंगे। तो जैसे ही ये चीज़ हुई तो एकदम से फिर ऐसे अंदर बूस्ट आया, एक पावर आई कि नहीं यार ऐसा कुछ भी नहीं है, इंशाल्लाह हम लोग ये सारा सारा ट्रैवल ज़बरदस्त तरीके से करेंगे कोई और सेफली करेंगे इंशाल्लाह ताला। जब से लाहौर से निकले मैं तकरीबन महला कोई अभी तक हम लोगों ने कोई 2 से 3 बार खाना पैसों का खाया हुआ, उसके अलावा सबका सारा का सारा खाना रहाइश सारी चीज़ फ्री में चल रही थी, कोई किसी के यहाँ पे अभी पहली दफ़ा समझ लो कि हम लोगों ने अपने पैसों से खाना खाना था होटल से, लेकिन वो भी नहीं खाया, वो भी हमारा पैसा है, कोई और कोई करवा के चले गए। अगर वो वीडियो देख रहे हैं तो यही बोलूँगा कि आप जैसे लोग ही हैं जिनकी वजह से शहर आबाद होते हैं, जिनकी वजह से हिस्ट्री चेंज होती है, जिसकी वजह से टूरिज्म डेवलप होता है, जिसकी वजह से लोगों में कॉन्फिडेंस आता है। Can you hear me, man? Bol bhai. Okay, I'm both here. Kuch samajh nahi aa rahi. Gaddi na re idhar aa gayi. Okay, I am coming, man. तो खाना खाने के बाद थोड़ा सा आगे चले मजीद, तो मुंबई का जो था गला है वो हो गया खराब, क्योंकि मुंबई का थोड़ा सा पता नहीं टॉन्सिल्स का प्रॉब्लम है या पता नहीं कोई क्लाउड है जो कि कहीं पे कोई है उसका ऑपरेट करवाना है, जिसकी वजह से मुंबई की जो आवाज़ है वो हो जाती है ख़राब। तो तकरीबन कोई 5-6 दिन ठीक चले हैं, उसके बाद मुंबई की आवाज़ ख़राब होगी। अक्सर ऐसे होता है दौरान टूर मुंबई की आवाज़ अक्सर ख़राब हो जाती है, और वो तकरीबन फिर जब ख़राब होती है वो फिर पूरे टूर में रहती है, फिर जब घर आ जाते हैं तो फिर उसके बाद 3 से 4 दिन के बाद वो ठीक हो जाती है। हाय 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 चकी बच के आ जा। ओके बड़ा खूबसूरत ठंडा किस्म का यहाँ का माहौल है, साइड तरफ ये सब्जा लगा हुआ हर जगह पे, सामने ये व्यू है, इस तरफ ये पहाड़ है, इट्स रियली 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 ऑसम, और बिल्कुल गिलगित बल्तिस्तान से डिफरेंट यहाँ का एटमोसफेयर है, यहाँ का खूबसूरती, यहाँ का लैंडस्केप, मैं कहता हूँ कि ये अखीर ही है यार, अखीर है। और सामने ये नीचे ये जो है ये डेजर्ट है सारा, नीचे ऊपर पहाड़ है, नीचे डेजर्ट है, और वो देख रहे हो पहाड़ों के ऊपर भी रेत गया हुआ है, और वो बड़ा अजीब सा बीच में ये जो है ये पौधे ग्रीन ग्रीन से लगे हुए हैं, ये काश्तकारी हुई हुई है, क्या है यार, क्या है पाकिस्तान, क्या है पाकिस्तान। मुंबई इस वक्त मुझे पता है पूरा मस्त हुए हुए हैं, और ये इतना तेज़ हवा का प्रेशर है, बाइक संभालना इस वक्त बहुत मुश्किल होता है यार इसी तेज विंड में, और क्या यार ये कहाँ आ गए, ये कहाँ आ गए हम। मुंबई देखो पहाड़ा के उत्ते किमें चढ़िया है रेत सारी है ना, क्या बात कितनी खूबसूरत लग रही है, चमक रही भाई।
ਗੋਲਡ ਗੋਲਡ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਮਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਾਂਗੋ ਫੁੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੀ ਫੁੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ? ਫੁੱਲ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਸਾਡੀ ਅੱਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇੱਕਦਮ ਇਤਨਾ ਗਾਣੇ ਚ ਹਵਾ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਹਵਾਵਾਂ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਧਰ ਵੀ ਹਵਾਵਾਂ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ। बेसिकली जो तफ्तानगी रोड है इसको लंदन रोड बोलते हैं क्योंकि ये रोड आगे ईरान जाता है, ईरान से आगे तुर्की है। तो लंदन रोड का एक ऐसा नज़ारा था कि असर का टाइम था, एक रोड और रोड के बिल्कुल सेंटर में सूरज था और चारों तरफ आपके रेत है और आप जब जा रहे हो आप लोगों को इतना फील आता है जैसे कि आप लोग इस सूरज के अंदर घुस रहे हैं, इस सूरज में जा रहे हैं। वो अखीरी किस्म का एक मंजर था। एक मैंने इतना दूर दूर तक कुछ ना होना भी पहली बार देखा था। आप लोगों को ऐसा फील आता है जैसे कि आप लोग उस सूरज के बीच में घुस रहे हैं, उस सूरज की तरफ जा रहे हैं। आखिर किस्म का मंजर था वो। मूवी है किरे सियारे दे आ गए हो यारे इतने बदबूदा आयो सारी सड़क ओके हो गई, सारी हाईवे हो गया सही, दोनों पासे रेत है जे सड़क दे बीच नहीं, सड़क दे बीच नहीं आया सिर्फ सड़क ओके वे दोनों पासे आ जाओ स्पीड मार के। कितने आ गए? कितने आ गए हैं? हैं? कितने आ गए हैं? नहीं कोई जानवर भी नहीं नजर आया, कोई कीड़ा मकोड़ा भी नजर आया। सावधान 337 किलोमीटर मैं कह रहा हूँ थ्रू ओग 11 के भी आ रही है कोई ठाकुर। हाँ बल्कि मेरा बली तंगी तो आ रही होती है, बली तंगी डैम। हाँ क्या स्पिन करे तो आ रही होती है। हाँ तापमान बॉर्डर तक साढ़े लाख नाल नाल जिन्ना रुपया लगे है कोर्ट का। हाँ ऐसे हवा का प्रेशर 70 किलोमीटर प्रति घंटा 80 किलोमीटर प्रति घंटा तक जाता है। हाँ तापमान बॉर्डर से किसी या ऐसे छोटे छोटे या बड़ा एक भी है और काफी बिजली का ला जो हवा दे रहा था ना बिजली ਦੁਨੀਆਂ ਨੇ ਲਾਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪੈਸਾ ਬੱਚੇ ਕਿੰਨੀ ਦੋ। ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਐਸੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਪੁੱਤਾਂ ਦਾ ਪੈਸੇ ਕਿ ਸਾਲ ਦੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲਾਏਗੇ ਓਏ ਉਹ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਵਾਪਡਾ ਦੀ ਮੋਨੋਪਲੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਗੀ। ਹੈਲੋ ਪੁਲਿਸ ਚੈੱਕ, ਪੁਲਿਸ ਚੈੱਕ ਅਰਨ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਅੱਜ ਰਾਤ ਕਰਾਏ ਦੇ आधे घंटे के बाद हम लोग पहुंच गए दलबदीन में। दलबदीन में जाके हम लोगों ने सोचा था कि हम लोग जाके स्टे करेंगे एफसी की चेक पोस्ट पे, लेकिन उसके बिल्कुल साथ में एक छोटी सी एक मार्केट थी, उस मार्केट में हम लोग पहुंचे तो हमें एक वहाँ पर फिर एक भाई मिल गए, उनका नाम था मीर और आगे कुछ समथिंग पता नहीं क्या था। वो दलबदीन के ही थे, उन्होंने बोला कि आप लोग हमारे घर में आए, वो लोग एक जंगल बाजार है वहाँ पर वहाँ रहते थे। हमने बोला नहीं सो के हम लोग यहीं पे सिस्टम करेंगे। तो मीर भाई ने हम लोगों को फ्री में रहाइश करवा दी होटल में, वहीं पे एक कमरे में कि आप लोग यहाँ पे फ्री में बोलो, और होटल वाले को बोल दिया कि ये लोग यहाँ पे रह रहे हैं, लोगों से कोई किसी किस्म का चार्ज नहीं करना, कोई चीज़ नहीं करनी। मीर भाई के साथ तकरीबन कोई आधा घंटा एक घंटा हम लोग बैठे वहाँ पर, गपशप लगाई वहाँ पर, हर एक चीज़ का पूछा, सारी मालूमात ली, और फिर हम लोगों ने मुफ्ते में एक और रात गुजारी। पानी मिनरल वाटर लेना है? हाँ जी सर जी, मिनरल वाटर होगा, पानी होगा मिनरल वाटर। एक बोतल बड़ी दे दे। एक बड़ी बोतल दे लो ठंडी, ठंडी होगी ठंडी।
हाँ बस ठीक है। ओके तो आज तक के लिए था इतना ही, और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर, कमेंट सेक्शन में डालो कमेंट, क्योंकि कमेंट के साथ मेरी होती है रहनुमाई, मुझे पता चलता है कि मेरी वीडियो में क्या चीज़ होनी चाहिए क्या चीज़ नहीं होनी चाहिए। और इंशाल्लाह जल्द से जल्द नेक्स्ट एपिसोड भी डालूंगा। तो अल्लाह हाफिज़, स्टे ट्यून, स्टे ब्लेस। ये है मेरी कश्ती रानी, इसमें है अंदर है मन मन पानी।